हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। आज का जो वीडियो है उसमें हम चर्चा करेंगे कि जिनका थंब मिसमैच हुआ है ना, जिनका एग्जाम मतलब पीईटी के टाइम, फिजिकल के टाइम या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, किसी भी टाइम पर थंब में मिसमैच हुआ है तो उनका क्या होगा, उनको बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे, उनके डॉक्यूमेंट वगैरह भी रख लिए हैं, किसी से बोला है कि बाद में बुलाया जाएगा आपको, अभी जाइए, किसी के डॉक्यूमेंट रख लिए हैं, किसी को कुछ अपडेट ही नहीं दिया, बोला है कि जाइए बाद में पता चलेगा, है ना, वेबसाइट चेक करते रहिए, या फिर जिनका पैनल में नेम नहीं आया उनका क्या होगा, तो इन सबों पर आज बात करेंगे। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और जिन बच्चों का ये कॉमन डाउट है तो वो डाउट मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लो कोई भी बच्चा, कोई भी कैंडिडेट किसी भी मेडिकल मतलब फाइनल प्रोसेस में फेल होता है, जिसका फिजिकल हो जाता है, ठीक है, सॉरी, एग्जाम पास हो जाता है, फिजिकल हो जाता है, और जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल देने जाता है वो किसी भी स्टेज में फेल होता है। किसी को मान लो C2 मेडिकल मिल गया, है ना, या C1 मेडिकल मिल गया, या B2 मेडिकल मिल गया, उसकी पोस्ट ही नहीं है, तो रेलवे को बताना पड़ेगा कि नो पोस्ट फॉर C1, नो पोस्ट फॉर C2, मतलब पूरी पोस्ट भरने के बाद अगर कोई कैंडिडेट बच जाता है और उसका सिलेक्शन नहीं होता तो वो आपको वेबसाइट में बताएगा कि आपका किस वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, है ना। किसी का थंब मिसमैच नहीं हुआ तो ये भी बताएगा कि थंब मिसमैच की वजह से आपको सिलेक्शन नहीं हुआ। पूरी बात को ध्यान से सुनना, तो पूरी डिटेल आपको मिलेगी जिनका नहीं हुआ है उनको। जिसका पैनल में नेम नहीं आया तो अगला पैनल कब तक आएगा, या जितने भी कैंडिडेट बच रहे हैं उनका पैनल में नेम आएगा कि नहीं, तो देखो वेट आपको करना पड़ेगा। रेलवे ऐसा है कि रेलवे के काम लेट लतीफ़ी चलते हैं, कोई भी काम प्रॉपर ऐसा नहीं होता कि आपको वो टाइम पे ज्वाइनिंग करा दे, टाइम पे सब कुछ करा दे, तो वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जितने कैंडिडेट्स का उनने पैनल में नेम दे दिया तो उनकी ज्वाइनिंग प्रोसेस, उनको स्टेशन अलॉट करना, सारी प्रोसेस में भी अभी टाइम लगेगा। हालांकि उसका RRC से लेना कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन वो थोड़ा प्रोसेस स्लो है, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें होंगी। तो जिनका थंब मिसमैच हुआ है, ठीक, उनको फॉरेंसिक जांच के लिए बुलाया गया है मान लो, तो वो सारी प्रोसेस होगी। उसके बाद उनका DV हो गया है तो मेडिकल भी होगा और बाद में उनका नाम भी आएगा, घबराइए मत। लेकिन ये टाइम टेकिंग हो सकता है, क्योंकि कि रेलवे ऐसा है कि हर काम को करने में 4-5 महीने तो लगा ही देती है, तो अभी ये मान लो कि आपको टाइम लगने वाला है, क्योंकि जिन बच्चों का पैनल में नेम आ गया है उनका ज्वाइनिंग होगा, ठीक, उनको स्टेशन अलॉट होगा, ये सारी प्रक्रिया होगी। और ये मत सोचो कि अगर आपका थंब मैच नहीं हुआ तो आपको बाहर कर देंगे, नहीं, पूरा आपको डिटेल देना पड़ता है रेलवे को कि इस बच्चे को किस वजह से बाहर किया गया है। किसी को अगर मेडिकल स्टैंडर्ड लो की वजह से बाहर किया गया तो वो भी लिखेंगे, जो भी रीज़न होगा, किसी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से बाहर किया गया है तो वो भी बताएंगे, कोई DV में एबसेंट है, कोई मेडिकल में एबसेंट है तो वो भी बताएंगे, कोई मेडिकली अनफिट है तो वो भी बताएंगे, या जो भी रीज़न रहेगा वो बताया जाएगा। तो आपको बाहर किसी भी हालत में नहीं करेंगे, मत घबराओ, आपको बुलाएंगे, थोड़ा सा टाइम टेकिंग जरूर हो सकता है, फिर वहाँ पर आपका थंब चेक किया जाएगा, ठीक है, कि क्या दिक्कत है, किस वजह से नहीं आ रहा। कभी कभी उनकी मशीन में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मोबाइल में डिवाइस कनेक्ट करके आपका थंब लेते हैं, तो उस वजह से भी नहीं आता। तो कुछ दिनों बाद आपको जितने भी लोग कैंडिडेट बच्चे हैं उनको बुलाएंगे, और जिनका पैनल में नेम नहीं आया है, किसी किसी जोन में कुछ बच्चे अभी रह गए हैं जो बिल्कुल बाउंड्री मैन थे, कट ऑफ के बिल्कुल बराबर नंबर थे, ठीक है, और उनका मेडिकल स्टैंडर्ड भी लो था या अच्छा भी था, A2 था, फिर भी नहीं बुलाया है, तो पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन उनको बुलाएंगे, उनकी लिस्ट भी फिर से आएगी जितने कैंडिडेट की बच रही है, तो उसके बाद फिर पता चलेगा कि कौन कौन से बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है या क्या रीज़न रहा है। उसके बाद वो रीज़न भी देंगे, जितने बच्चे बच रहे हैं उनका पैनल में नेम आने के बाद वो रीज़न भी देंगे कि जो बच्चों को नहीं लिया है तो क्यों नहीं लिया है, क्या रीज़न था, क्या उनका मेडिकल स्टैंडर्ड लो था, क्या उन क्या रीज़न था, ठीक है, क्योंकि 1:1 में बुलाया है। तो बिल्कुल भी मत घबराइए, थोड़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकती है, लेकिन थंब मिसमैच में बाहर नहीं करते। मेरा भी थंब मैच नहीं हुआ था उस टाइम पे, लेकिन मुझे बाहर नहीं किया गया। अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो आपको वो बुलाएंगे और सिलेक्शन उनको ऐसे बाहर नहीं कर सकते बिना किसी रीज़न के, ठीक है, क्योंकि अगर आपने DV पास किया है, फिजिकल पास किया है, एग्ज़ाम पास किया है, तो ये थंब रीज़न नहीं होगा जिस वजह से आपको बाहर कर दें। और 2018 में भी बहुत सारे जोन में, सभी जोन में लगभग बहुत सारे कैंडिडेट को ये समस्या आई थी, तो इस बार भी है, बस ये थोड़ा समय लग सकता है, तो धैर्य बनाए रखिए। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, अगर वीडियो बढ़िया लगा तो दूसरे लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।